Class 4th. In previous classes, we have started chapter number 9 about animals. And in this chapter, we are studying about animals. हम animals से related काफी सारी knowledge इस chapter में जानेंगे. इस chapter में previous class में हमने animals के groups के बारे में study किया था कि animals group में रहते हैं. कुछ animals के group बड़े होते हैं, कुछ के group छोटे होते हैं. इसके अलावा हमने lion, ant, bees, monkeys, एलिफेंट इनके ग्रुप के बारे में स्टडी कर चुके थे. और आज का हमारा टॉपिक है एनिमल इंटरेक्शन. एनिमल इंटरेक्शन का मतलब होता है जिस तरह से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात को जानते हैं, सेम ऐसी एनिमल किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं. तो ये है पेज नंबर 56 पे. एनिमल भी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं. आपने अपने आसपास में किटन्स के, जो किटन्स मतलब कैट के जो बेबीज हैं, पपीज, डॉग के जो बेबीज हैं, उनको आपस में खेलते हुए देखा होगा एक दूसरे के साथ में, है ना. तो जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, जॉय करते हैं, खुश फन करते हैं, सेम ऐसे ही एनिमल्स के बेबी और एनिमल्स भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, फन करते हैं, इंजॉय करते हैं. इसके अलावा एनिमल ऑल्सो हेल्प ईच अदर लाइक ह्यूमन. जैसे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सेम ऐसे एनिमल भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं. कई बार जंगल में कभी कोई डेंजर होता है तो जो जैसे मंकीज हैं या जो बर्ड्स हैं वो स्पेशल अलार्म क्राइज निकालना शुरू कर देते हैं. मतलब अलार्म करने वाली, चेतावनी देने वाली जो क्राइज है, आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं ताकि जो अदर एनिमल हैं उनको डेंजर का फील हो जाए कि कुछ डेंजर है, ठीक है. इसके अलावा इस पैराग्राफ में है कि आपने कई बार कुछ बर्ड्स को, जो बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक बफेलो या काउज, उनकी पीठ पे बैठे देखा होगा. वो क्या करते हैं, उनकी बैक पे बैठ के उनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स लगे होते हैं उनको खा जाते हैं, खा लेते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे जो बफेलो है, काऊ है, उनको उन जो इंसेक्ट्स है उनसे मुक्ति मिल जाती है, वो उनकी बॉडी से हट जाते हैं. और साथ में जो बर्ड्स हैं उनको इंसेक्ट को खाने से फूड मतलब खाना भी मिल जाता है. तो दोनों का काम बन जाता है. तो दोनों की एक दूसरे से क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है. तो ये है एनिमल इंटरेक्शन इस पैराग्राफ में 56 पेज पे. नाउ 57 पेज पे हमारा हाउ एनिमल्स हेल्प ह्यूमन. किस तरह से एनिमल ह्यूमन यानी इंसानों की मदद करते हैं. तो एनिमल जो है वो ह्यूमन्स की बहुत तरह से मदद करते हैं. कैसे कि हमारे बहुत से काम आते हैं. वह डॉग जैसे हमारे घर को गार्ड करता है, गॉट है उससे हमको मीट मिलता है, हैन है उससे हमको एग मिलते हैं. इसके अलावा एलिफेंट, बफेलो, ऑक्स हमको वन प्लेस से अदर प्लेस पे जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, हमारा लोड ले जाते हैं, है ना. इस तरह से एनिमल्स हमारे लिए बहुत तरह से यूजफुल हैं. इस पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे हाउ एनिमल हेल्प ह्यूमंस. इसमें है, फर्स्ट है, दे प्रोवाइड मिल्क, एग एंड मीट फॉर अस टू ईट. वो हमको खाने को मिल्क, एग और मीट प्रोवाइड करते हैं. दे गिव अस सिल्क एंड वूल विच वी मेक क्लोथ्स एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग. इसके अलावा वो हमको सिल्क और वूल प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बहुत सी चीज़ें, कपड़े और भी कई मैट वगैरह बनाते हैं. पैट एनिमल्स सच एज डॉग एक्ट एज गार्ड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड बर्गलर्स. इसके अलावा जो डॉग है वो हमारे घर को गार्ड करता है, रखवाली करता है और हमको चोरों से बचाता है. हॉर्स, कैमल ये जो है वो ह्यूमंस को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाते हैं. साथ में उसके लोड यानी वजन को, सामान को भी वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाने का काम करते हैं, तो हमारी हेल्प करते हैं. इसके अलावा अर्थवॉर्म, अर्थवर्म मीन्स होता है कैचुआ, जमीन के अंदर देखा है आपने, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है. कैसे, ये जब जमीन के अंदर जमीन को डिग करता है, खोदता है, तो जो जमीन है उसको वो फर्टाइल बना देता है. मीन्स FERTILE फर्टाइल का मतलब उपजाऊ बना देता है. जब वो होल करता है तो मिट्टी उथल पुथल करता है, उससे उसमें एयर इजीली एंटर कर सकती है. जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती है वहां तक एयर जो है, हवा, ऑक्सीजन वो आसानी से जा सकती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो इस तरह से वो मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, उसमें एयर जाने के लिए इजी बना देते हैं. तो अर्थवॉर्म भी हमारे लिए हेल्पफुल है. सेम ऐसे ही बहुत से एनिमल हमारे लिए हेल्पफुल हैं जो किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प करते हैं. समझ में आ गया आपको ये दोनों टॉपिक. अब आपको आज क्या करना है, आज आपको ये पेज नंबर 56, 57 और पूरा चैप्टर ही आपको अच्छे से रीड करना है, ओके. So today's homework is read chapter 9 about animals. Okay, thank you.